क्या कहिएगा, आप भी पार्लियामेंट के सदस्य हैं, लाइक करवा के बिट्टू बिट्टू आरोप लगाने मात्र से लोगों ने कुछ नहीं होता। जांच का विषय है, तथ्य सामने है, अगर ऐसा हो रहा है तो ये गलत है, पर अगर सिर्फ ये आरोप लगाए जा रहे हैं सरकार की छवि खराब करने के लिए तो वो भी गलत है। मेरा विश्वास है कि जांच होगी, सच्चाई सामने आएगी, सरकार ने अपना पक्ष भी मजबूती से बहरहाल सामने रखा, पर ये पूरी तरीके से जांच का ही विषय है, किसी की टिप्पणी करना उचित नहीं। चिराग जी, जिस तरह से राज्यसभा में एक रिपोर्ट पेश किया गया और उसमें यह बताया गया कि पूरे भारत में किसी भी लोगों की मौत जो है वो ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई, इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? हाँ, ये चीज थोड़ी सी हैरान जरूर करती है, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं उस परिस्थिति से गुजरे हैं। मैंने खुद उस दौरान देखा है, बीच में एक ऐसा समय आया था, खास तौर पर कुछ ऐसे राज्य, दिल्ली जैसे राज्य, जहाँ पर दिन रात हम लोग को फोन आता था। मुझे कई बार ऐसे हॉन्टिंग कॉल्स आए हैं जहाँ पर लोग परेशान होकर अपने भाई के लिए, अपने पिता के लिए, अपनी माँ के लिए इमरजेंसी में फ़ोन करते थे कि भैया डॉक्टर बोल रहा है, अस्पताल बोल रहा है कि मात्र आधे घंटे की ऑक्सीजन बची है, अब हमको नहीं पता इसके बाद हम क्या करेंगे। तो हम सब उस परिस्थिति से गुजरे हैं। उसके बाद जब इस तरीके का की जानकारी जब पार्लियामेंट के पटल पर दी जाती है कि ऑक्सीजन की वजह से नहीं ऐसा कुछ हुआ, ये हैरान करती है। हो सकता है इसमें कोई टेक्निकल पेच हो कि सिर्फ वो ही कारण नहीं बना हुआ हो कहीं पर, हो सकता है क्योंकि कोविड से जुड़े हुए और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस उस दौरान सामने आए, कई लोगों की कोविड ठीक होने के बाद भी हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई, तो कई और तरीके की परिस्थितियां भी सामने उत्पन्न हुई। बट बहरहाल मैं उम्मीद करता हूं, विश्वास करता हूं कि जब सदन के पटल पर अगर कोई जवाब रखा जाता है तो वो उसकी गंभीरता और उसकी उसकी सच्चाई को परख कर ही रखा जाता होगा। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री ने भी कहा है कि एक भी मौत नहीं हुई है, जबकि हम सब ने देखा कि बिहार में कितनी सारी मौतें हुई थी कोरोना के। मैंने बिल्कुल, मैंने कहा कि हम सब ने कहीं ना कहीं उस परिस्थिति का अनुभव किया है, उसके बाद इस तरीके से कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये उन लोगों को विचलित जरूर करता होगा जिन्होंने अपने प्रियजनों को ऐसी परिस्थिति में खोया। मुख्यमंत्री जी को सोचे हुए बिहार प्रदेश के बारे में, आखिरी बार उन्होंने कब प्रदेश के बारे में सोचा था, ये मेरी जानकारी में तो कम से कम नहीं है। और अगर किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री को अखबार के माध्यम से या हमारे मीडिया के साथियों के माध्यम से अगर ये जानकारी प्राप्त हो कि भैया देश में पेट्रोल डीजल के दाम किस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं, तो उस मुख्यमंत्री की सक्रियता का हम सब अंदाज़ा लगा सकते हैं। बट बहरहाल मेरे लिए कोई ताज्जुब करने वाली बात नहीं है। मैं मानता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री पूरी तरीके से बिहार और बिहारियों के हालात से पूरी तरीके से उनको कोई जानकारी नहीं है कि किस परिस्थिति में बिहार या बिहारी गुजर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री ने आखिरी बार कब सड़क मार्ग से बिहार का दौरा किया हो, मेरी जानकारी में नहीं है, मेरी याददाश्त में नहीं है। बिहार में जब जब बाढ़ आई, मुख्यमंत्री यहीं से हेलीकॉप्टर से उड़ते हैं, हेलीकॉप्टर से हवाई दौरा कर आते हैं, और ये हर साल का उन्होंने टूरिज्म का प्रोग्राम अपना फिक्स कर लिया। अगले साल आप फिर से मुझसे लिख के ले लीजिए, अगर ये मुख्यमंत्री रहे तो फिर इसी वक्त हेलीकॉप्टर से उड़ेंगे और बिहार का दौरा करते हैं। बिहार भी मैं आग्रह करता हूँ मुख्यमंत्री से कि एक बार सड़क मार्ग से निकले, सड़कों की हालत आपको पता चलेगी। हाईवे पर रह रहे शरणार्थी जो कि बाढ़ की वजह से हर साल बेघर होते हैं, उनके हालात आपको पता चलेंगे और बिहार की बदहाली उनके सामने आएगी।